हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो डिस्कवर डिवाइन इंडिया और मैं हूँ प्रतीक त्रिवेदी। आज हम रामायण से जुड़ने जा रहे हैं और भगवान श्री राम जी से जुड़ने जा रहे हैं। मेरे पीछे जो मंदिर है वो रामेश्वर महादेव मंदिर है। मांडवी से करीब 6-7 किलोमीटर दूर तापी नदी के किनारे आया हुआ ये मंदिर है। मेरे पीछे देखिए ये तापी नदी है, ये पूरा तापी नदी है और बारिश भी हो रही है। और कहा जाता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता माता जी यहाँ पर आए थे और भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने हाथों से ये शिवलिंग की स्थापना की थी, यानी मिट्टी से बनवाया था। भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने पिता राजा दशरथ के मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए। अभी ये मंदिर गुजरात टूरिज्म में शामिल है, इसलिए यहाँ पर ये पूरा डेवलपमेंट यहाँ पर हुआ है, वरना यहाँ पर सिर्फ छोटा सा ये मंदिर था और यहाँ पर मतलब इतना डेवलपमेंट भी नहीं था। दोस्तों, मेरे इस चैनल में हिस्टोरिक टेंपल, हिस्टोरिक लोकेशन, टूर, ट्रैवल, ट्रैकिंग में लाता रहता हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मांडवी से आओगे तो आपको ये नैरो रोड आपको मिलेगा। आपको 6-7 किलोमीटर यहाँ पे आना है इस रोड पे और यहाँ पे एंट्री है और ये पूरा जंगल जैसा ही है, खेती है, एग्रीकल्चर लैंड है, वो सब है और यहाँ से एंट्री करना है। और यहाँ पे बड़ा सा वड़ का पेड़ है। को बाइक पार्किंग के लिए यहाँ पे फैसिलिटी है और कार पार्किंग के लिए यहाँ पे है। और यहाँ से नीचे उतरना सावधानी से। अरे, तापी नदी है, ये बहुत बड़ा चौड़ा, विड्थ वाइज बहुत बड़ा है। और यहाँ पे शिव जी का मंदिर है, रामेश्वर महादेव। तो ये बहुत ही छोटा सा मंदिर था पहले, क्योंकि यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट नहीं था। तो बाद में गुजरात गवर्नमेंट के अंदर आते ही, मीन्स गुजरात टूरिज्म के अंदर आते ही गुजरात गवर्नमेंट ने यहाँ पे बहुत ही डेवलप कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही बड़ा पैसेज है। आप फैमिली के साथ यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हो तापी नदी के किनारे। और वहाँ पे बारिश हो रही है, बारिश तो हो ही रही है, लेकिन वहाँ पे देखिए, वहाँ पे तो यहाँ पे भगवान श्री रामचंद्र जी आए थे लक्ष्मण जी और माता सीता जी के साथ अपने पिता दशरथ जी के मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए। चलिए अभी महादेव के दर्शन करते हैं।
महादेव के दर्शन कर लीजिए। तो यहाँ पे भगवान श्री रामचंद्र जी आए थे, लक्ष्मण जी और माता सीता यहाँ पे अपने पिता राजा दशरथ के मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए, और ये शिवलिंग भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने हाथों से बनवाया है मिट्टी से। और ये प्लाईवुड है, रेनोवेट किया हुआ है। इसके पीछे दीवार है ओरिजिनल, ये बहुत पुराना मंदिर है, तो पेंटिंग और कलर करके यहाँ पे रेनोवेट किया है यहाँ पे। यहाँ पे तापी नदी है और वहाँ पे एटॉमिक पावर प्लांट है वहाँ पे, और पानी का थोड़ा बहाव भी थोड़ा तेज़ हो चुका है। तो अभी हम लोग नीचे जाते हैं तापी नदी के किनारे, और यहाँ से नीचे जा सकते हैं। वहाँ से मेन यहाँ पे मंदिर तरफ जाने का है, और तापी नदी तरफ जाना है तो यहाँ से उतर कर जाना है, और दूसरा वहाँ से रास्ता। जो ये सीढ़ी होते हैं आप यहाँ से वहाँ जा सकते हो तापी नदी के किनारे। तो अभी हम लोग वहाँ पर जाते हैं, तो अभी तापी नदी के किनारे जाते हैं। अभी तो अभी घाट की तरफ जाते हैं। अभी हम घाट पे आ गए यहाँ से। बारिश इतनी तेज है, कोट पहनना पड़ा। अभी वहाँ पर जाते हैं। अभी पानी का स्तर बहुत कम है, यानी ना के बराबर है, लेकिन जब उकाई डैम का पानी छोड़ा जाता है तो उस साइड उकाई डैम है, यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर है उकाई डैम, वहाँ का पानी छोड़ा जाता है तो पूरा यहाँ तक पूरा ये डूब जाएगा। तो अभी भी नसीब अच्छा है और बारिश भी है, तो यहाँ पे और भी अलग अलग सा माहौल बन चुका है यहाँ पे।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, हर हर महादेव।